फ्रेंड्स, मैं मनी, जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरे चैनल है स्विमिंग बाय मनी, दूसरा चैनल है टेक्निकल लवली मनी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा। आज की वीडियो है, आज मैं डाइविंग बताने वाला हूँ। बेसिक्स दो पार्टों में बनाऊंगा। इसमें एक होता है कि पैर ज्वाइंट करके मारना, एक होता है पैर आगे पीछे करके मारना। आज हम बात करने वाले हैं पैर ज्वाइंट करने के मारने वाले की। स्टार्टिंग से बताऊंगा इसमें, जिसको बिल्कुल नहीं आती डाइविंग मारनी, डाइविंग पानी में कैसे मारते हैं, तो मैं उसके लिए सबसे पहले बता दूँ कि मिनिमम आपका पानी जो होता है डाइविंग के लिए वो 4 फुट होना चाहिए। 4 फुट में आपका काफ़ी सेफ़ रहते हो, जिसमें आपके चोट नहीं लगेगी। ठीक है, तो जो मैं बेसिक बताने वाला हूँ इसमें, अगर आपको डाइव बिल्कुल नहीं आती तो आ जाएगी। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ, मतलब कि स्टार्टिंग में, तो कुछ मैं पहले बता देता हूँ, पर डाइविंग में ऐसा कुछ नहीं है, हम लास्ट तक मैं बताऊँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने यहाँ ऐसे बैठ जाना है। ठीक है, नीज को भी पकड़ सकते हो अगर पकड़ना है। जैसे आप पानी में जाओगे तो आपने अपने आप को स्ट्रेट कर देना है। ठीक है, ये पानी 3 फुट है और मुझे डाइव आती है, इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा कि आप 3 फुट। ठीक है, जैसे ही पानी में जाओगे और आपने लेग स्ट्रेट कर देनी है। कैसे करना है ये देखो, आपने नी पकड़ ली, देन ये चीज़ आपने करनी है। और क्या होगा, धीरे धीरे मतलब कि आप अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप करते जाओ। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, मतलब कि आपने ऐसे बैठ जाना, दोनों पैर ज्वाइंट करके, और हाथ आपने, अगर स्टार्टिंग में बहुत डर लगे तो आप नहीं पकड़ सकते हो, अदरवाइज आप हाथ ऐसे रख सकते हो। ठीक है, ऐसे पकड़ के वो गिनना है। ऐसे गिरना है, इससे क्या होगा, इससे एक तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, दूसरी बात कि डाइविंग पानी में एंट्रिंग करने का आपको पता चल जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, आप क्या करना है, पहले आपने कुछ दिन तक आपने सिर्फ इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, पहले आप नीचे स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद ऐसे कर सकते हो, और इसको क्या करना है, आपने सिर्फ गिरना है। सिर्फ गिरना है, ये पहले दिन की प्रैक्टिस है। अगर आप इसको कंटिन्यू करते हो तो क्या होगा कि आपकी जो डाइविंग पॉइंट है, जो मतलब कि जब हम गिरते हैं पानी में, तो हम क्या करते हैं कि पानी में ऐसे बसते हैं, जिसके कारण चेस्ट पर चोट बसती है। खड़े हो गए पहले दिन, जब अगर आपको नहीं आती तो पहले दिन खड़े होकर बिल्कुल नहीं मारनी, आपने बैठ के मारनी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट में अब आपने जहाँ ऐसे बैठे हो ना, हल्का सा आपने बैक अप कर देनी है। अब बैक अप करनी है, सेकंड स्टेप क्या है, बैक अप करनी है, उसके बाद आपने ले लेना है। ठीक है, फिर पानी में सेकंड में आपने बैक अप कर देनी है, जिसके कारण आपकी जो डाइविंग में थोड़ा और सुधार हो जाएगा, और डाइविंग में जाने का जो आपका डर रहता है वो भी दूर हो जाएगा। चलो फ्रेंड, अब आगे बताता हूँ। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, पैर ज्वाइंट, बैकअप कर दी और पोजीशन ये ले ली। पोजीशन में ध्यान रखना कि अगर आप गोगल लगा के कर रहे हो ना, तो अपना सिर फेस नीचे नहीं होना चाहिए, फेस आपके पैरों की साइड होनी चाहिए और हाथ क्रॉस होने चाहिए। ये देखो, ये चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसे डाइव मारोगे तो आपका गोगल्स उतर जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है कि गोगल्स ना उतरे। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये सेकंड स्टेप मैंने ये बताया, आपने ये करना है और आगे गिरना है। सेकंड स्टेप में आपने बैक अप कर देनी है, ऐसे पोजीशन लेनी है, और फुट वर्किंग क्या रखना है, ध्यान रखना है कि फुट आपके ऐसे, ये फिंगर्स ऐसे ग्रिप का होनी चाहिए, ऐसे पीछे होगी तो ये हड्डी आपकी यहाँ बच सकती है, तो आपने फिंगर्स जो है, जो पैर है, यहाँ पे रखने हैं। ठीक है, और ये चीज़ आपने ऐसे ग्रिप किया, सेकंड स्टेप आपने ये लिया और डाइव मार दिया आगे। तो सेकंड स्टेप में आपने ये चीज़ करनी है। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या आ जाएगा, थर्ड स्टेप में बैक और अप हो जाएगी। मैं आपको थर्ड स्टेप दिखा देता हूँ। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप था हमारा ऐसे या फिर ऐसे। ठीक है, सेकंड स्टेप यहाँ पे चला गया, थर्ड स्टेप अपना यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, बैक आगे ही डाउन रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे रहेगी। ठीक है, उसके बाद आपने सेम गिरना है, ये फ्रेंड्स, मतलब कि अब आपने खड़े हो जाना है, खड़े हो जाना है, जिसके कारण आपका जो डाइविंग है वो धीरे धीरे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको बेनिफिट रहेगा। एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो पैर है, पैरों पे फोकस कर देना, जो पैर है आपके ऐसे ग्रिप होने चाहिए, पैर ऐसे नहीं होने चाहिए। ठीक है, पैर आपके ऐसे होने चाहिए, जैसे ये पट्टी है, ये पैर ऐसे ग्रिप आते हैं तीनों के फिंगर्स के साथ। ठीक है, फिर हम गिरते हैं, इससे क्या होगा, इससे आपको इस बोन पे चोट नहीं लगेगी। अगर यहाँ हो गए, अगर आप गिर रहे हो तो पैर स्लिप कर जाएगा, अगर आप यहाँ पे हो तो पैर स्लिप नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या करना है, अब हमने
पहला स्टेप ये था, ये वाला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तीसरे में हमने पूरे नहीं स्ट्रेट कर ले। अब क्या करना है, अब पोजीशन लेनी है यहाँ पे, मुर्गी यहाँ पे अपने हाथ रख लेने। जब आपने डाई मारनी है तो आपने हाथ यहाँ ऐसे लेके जाने हैं, ठीक है। डाई मारते समय दो चीज़ों का ध्यान रखना है, या तो आप सिर पूरा नीचे रखो या फिर चिन्ह नीचे टच कर दो, चिन्ह नीचे टच कर दो। अगर चिन्ह नीचे टच कर देते तो भी गोगल आपके नहीं उतरेंगे। अब ये पूरी डाइविंग क्लियर होगी, यहाँ पे पोजीशन ली, ठीक है, और जंप मारना है और नाली ग्रिप कर लेना, ठीक है। 1 2 3 जंप। ओके ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये डाइविंग है पूरी, ठीक है। इसमें जंप मैं पूरा नहीं ले रहा पा रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ जंपिंग पॉइंट नहीं है, जंपिंग पॉइंट उधर है। जो नेक्स्ट वीडियो में मिलकर ये तीनों के स्टेप पूरे हो जाएंगे तो आपको मैं जंपिंग पॉइंट के साथ बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। ये है, अब आपको मैं पूरी डाइव मार के दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब पूरी डाइव मारनी है हमने, और पूरी डाइव मारने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जब भी आपने डाइव मारनी है पानी में सीधा नीचे नहीं जाना, पानी में जाके आपने सीधा हो जाना, जाके आपको सही रहे, ठीक है। बल्कि अभी हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बल्कि पहला पार्ट मैंने ऐसे बताया है और जो दूसरा आएगा वो ऐसे आता है जिसमें आगे पीछे पैर रहता है, ठीक है। तो चलो अब पूरी जंपिंग करते हैं, ठीक है। जो पैर है इनको अपने जितने नी शोल्डर है इतने ओपन करके रखने होते हैं, बल्कि शोल्डर के हिसाब से ओपन करके फिर डाइव मारनी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। स्टार्टिंग में आप मुर्गी कैसे कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर पैर ज्वाइंट करके मारोगे तो भी ठीक है, पर अगर नीज ओपन, जितने नीज है शोल्डर है आपके इतने ऊपर पैर होने चाहिए, ठीक है। सॉरी फ्रेंड, उसका पोजीशन लेनी है, ठीक है, रेडी। अगर 1 2 3 स्टार्ट करके आप खुद ही जंप मार सकते हो, ठीक है। ओके 1 2 3 स्टार्ट। ये जंप मारनी है, इसमें ध्यान रखना है अगर कम पानी है तो सीधा नीचे नहीं जाना, आपने ऊपर रहना है, ठीक है। अगर आप गलत डाइव करोगे तो आपके चेस्ट पे चोट लगेगी, ठीक है। और ये कम पानी है, अब मैं आपको पूरे गहरे पानी में सही शूट जंप करके बता देता हूँ कि कैसे ये जंप होगी। तो चलो गहरे में चलते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पे पानी है 2.5 से 3 फुट, यहाँ पे वो जंप नहीं बजेगी जो मैं बता रहा हूँ। वो जंप उधर है 6 फुट गहरा, बल्कि 5 फुट है, 5.5 फुट है, तो वहाँ पे बजेगी। तो चलो अब वहाँ पे देखो। रेडी ले। ओके फ्रेंड्स, अभी ये गहरा है, यहाँ पे हम पूरी डाइव मार के दिखाऊंगा मैं आपको कैसे डाइव मारनी है। पैर मतलब जब आप डाइव मारोगे ध्यान रखना कि पैर ऐसे जोड़ के मारोगे तो गलत बच जाएगी, पर आपने शोल्डर जितने ओपन है इतने शोल्डर अपने पैर ओपन करके मारोगे तो बढ़िया रहेगी, ठीक है। ग्रिपिंग के लिए आपने यहाँ पे फिंगर्स आगे रखनी है, पीछे नहीं रखनी, ठीक है, आगे ग्रिपिंग करनी है। और काउंटिंग आप खुद भी कर सकते हो, आप ऐसे भी खड़े हो सकते हो और पोजीशन भी ले सकते हो, ठीक है। पोजीशन लेके हम काउंट करके मारेंगे, रेडी 1 2 3 जंप। तो फ्रेंड्स, ये जंप मारनी है आपने, जब जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे ऐसे ऐसे आपका निखरते जाएंगे। एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, डाइविंग एक बार फिर से देख लो। मुझे याद है पैर आगे पीछे मारने की, हालांकि मैंने पैर जोड़ के कभी मारी नहीं, बार बार यही पोजीशन आ रही है, सॉरी। तो क्या करना है, 1 2 ये पोजीशन में आपने जब जंप लेना तो ऐसे कर लेना। हालांकि मैंने अभी गॉगल्स नहीं लगाए क्योंकि मैंने वीडियो के माँ बनने में नहीं आया था, मैं ऐसे ही आ गया। ओके 1 2 3 जंप। जंप मारने के बाद आपने 4-5 बार डॉल्फिन करनी है जिसके कारण आपकी दूरी काफ़ी तय हो जाएगी। डॉल्फिन क्यों करते हैं मैं बता देता हूँ। डॉल्फिन इसलिए करते हैं जब हम डाइव मारते हैं तो एक ग्लाइड तैयार हो जाता है, मतलब एक वेव तैयार हो जाती है, अंडरवर्ल्ड जाके उस वेव से आगे निकलने के लिए हम डॉल्फिन करते हैं, क्योंकि जो डॉल्फिन होती है वो वेव से आगे जाने के बाद जो वेव होती है वो हमारी स्पीड स्लो कर देती है। तो वो ओके, ये थी डाइव, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब एक जो आगे पीछे पैर करके मारते हैं वो भी मार के दिखा देता हूँ। पैरों को ध्यान रखना है कि पैर ज़्यादा फोल्ड ना हो, ठीक है। इसी में भी सेम रहती है कि जो आपका एक पैर है वो इस शोल्डर पे, दूसरा पैर इस शोल्डर पे, इतना ओपन होना चाहिए तभी आपकी डाइव सही बची, ठीक है। ओके रेडी 1 2 3 जंप।
ओके सर, एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे मेरे पैर फोल्ड हो रहे हैं ऐसे आपके पैर फोल्ड नहीं होने चाहिए, पैर बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। मैं मार के दिखा देता हूँ क्योंकि मेरी ड्राइव की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है, तो चलो आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार कैसे करना है। जब आपने ड्राइव मारनी है तो आपके पैर फोल्ड नहीं होने चाहिए, स्ट्रेट रहने चाहिए, ठीक है। तो ये मिशन 1 2 3 टाइम। आपके पैर ऐसे जाने चाहिए जैसे बिल्कुल स्ट्रेट रह के, ठीक है। अगर आपके पैर फोल्ड होते हैं तो वो डाइव गलत होगी, मतलब गलत नहीं कह सकते, एक अच्छे वाला स्टार्ट कहते हैं जिसको, वो वाला नहीं होगा। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, तो चलो एक बार फिर से दिखा देता हूँ। पैर स्ट्रेट होने चाहिए जैसे अभी मैंने दिखाया आपको, पैर पूरे स्ट्रेट, पर स्टार्टिंग में आपकी जो पैर फोल्ड होंगे वो जेन्युइन रहता है, ये प्रैक्टिस के साथ सुधर जाएंगे। अगर आपको डाइविंग आ जाती है, जब आप डाइविंग छोड़ दोगे उसके बाद फिर करोगे तो फिर फोल्ड होंगे, ठीक है। तो क्या करना है, पैर स्ट्रेट रखने हैं, पैर शोल्डर इतना ऊपर रखने हैं। मिशन 1 2 3 स्टार्ट। आई होप कि फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया हो, और बैक फ्लोटिंग के लिए मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं, हालांकि मैंने वीडियो बनाई हुई है। बैक फ्लोटिंग बहुत आसान है, आपने इजीली कमर ऊपर करनी है और फेस ऊपर रखना है और हल्का हल्का पैर चलाना है, आपकी बैक फ्लोटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स वीडियो का एंड करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो होगी उसके लिए सॉरी। फ्रेंड्स आई होप कि आपको डाइविंग मारने आगे होगी, ये जॉइंट पैर जॉइंट करके डाइविंग मारनी मैंने बताई थी इसमें, और इसमें लास्ट में ध्यान रखना कि जो मेरे पैर स्टार्टिंग में जब मैं आपको बता रहा था पैर फोल्ड हो रहे हैं वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और जैसे अगर आप सपोज करो आपको अच्छे से प्रोफेशनली डाइव मारनी आ जाती है और आप डाइव छोड़ देते हो, बाद में आपके पैर फिर से फोल्ड होने लग जाएंगे, ये अपने रहता ही रहता है। और मैं अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं करता पर पैर मुझे पता है कैसे स्ट्रेट रखते हैं, तो लास्ट में आपने प्रोफेशनल डाइव देख ली। और अगले जो पार्ट आएगा मेरा डाइविंग का, वो आएगा पैर आगे पीछे रख के, उसमें ही सेम प्रोसीजर रहता है पर उसमें थोड़ा ज़्यादा दिक्कत रहती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखना है कि जब भी आपने डाइव करनी है तो एकदम नीचे नहीं जाना, आपने जैसे ही पानी के अंदर जाओगे स्ट्रेट हो जाना है, ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। तो बस आई होप कि आपको डाइव मारनी आ गई हो, नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। हैशटैग करके जरूर बताना, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता मुझे कमेंट करके पूछ लेना, और मेरा ज्वाइन बटन बहुत जल्दी आ जाएगा, ज्वाइन कर लेना मेरा बटन को। और बस यही था आज की डाइविंग, आप आई होप कि आपको समझ में आ गई। बीच में मैंने थोड़ी बैक फ्लोटिंग भी करके दिखा दी थी, बड़ी आसान है वही, इतना मुश्किल नहीं है। तो चलो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉच द वीडियो, और इंस्टाग्राम व्हाट्सअप और दूसरे लिंक, मेरा व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक का देख लेना, फालतू का लिंक कोई नहीं है। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक अगर ज्वाइन नहीं होता तो कुछ देर बाद करके देख लेना, शायद हो जाए। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि व्हाट्सअप ग्रुप में मेरे फालतू का कुछ मत डालना, अगर आपकी कोई नॉलेज आपने लेनी है तो उसी के बारे में पूछना, फालतू मत पूछना, क्योंकि क्या होता है कि उसमें फीमेल्स मेल सारे होते हैं, गाल गुल मत निकालना उसमें, और कुछ भी मत करना, ठीक है, मतलब कि ऐसी वैसी फ़ोटो मत डालना। तो बस बाय, थैंक यू वॉच द वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिलेंगे, थैंक यू, और लाइक करना मत बोलना लाइक। फ्रेंड्स ये चैनल है मेरा स्विमिंग बाय मनी, जिसके ऊपर आप स्विमिंग सी वीडियो देख रहे हैं, दूसरा चैनल टेक्निकल लवली मनी, जिसके ऊपर आपको मोबाइल की अनबॉक्सिंग मिलती है, रिव्यू मिलते हैं, गेमिंग टेस्ट मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, प्लीज़ उसको भी फॉलो करें, थैंक यू।